और ये अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो रिवर है बेसिकली ये हान रिवर है जो कि सिटी से होके गुजर रही है, और इस सिटी से गुजरने का इस सिटी को फायदा हुआ है क्योंकि ये जो रिवर बेड की वजह से जो रिवर ने काम किया उसके चारों तरफ यानी दोनों तरफ पूरी तरह से प्लेन मिल चुका है, बन चुका है, और वहीं पे शायद ये सारी की सारी सिटी डेवलप हुई है। पर मजेदार बात यह है कि किस अच्छाई से और कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरी रिवर की एम्बैंकमेंट कर दी है। और इस रिवर की खासियत मैं और बताऊं कि इन्होंने नीचे इसके रिवर को बिल्कुल क्या कह सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके पानी को, उसके फ्लड को और उसको यूटिलाइज करने के लिए ये एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या किया कि इस रिवर बेड के कुछ कुछ पोर्शंस में एक एक दो दो किलोमीटर के पोर्शंस में इन्होंने क्या किया है कि सीमेंटेड कर दिए नीचे से या पत्थर से कुछ इन्होंने ऐसा फर्श बना दिया है कि जब कभी भी सर्दियों में यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर स्कीइंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत सारे कंपटिशन्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ के जो यंगस्टर हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है स्कीइंग में, इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर ये लोग जाकर मेडल भी अर्न करते हैं, अपने कंट्री को प्राउड करते हैं। और ये जो रिवर की एम्बैंकमेंट्स हैं या इसको रिवर की बेड बनाई गई हैं या जिसको अपने देखा कि वो स्कीइंग भी इस्तेमाल हो रहा है, बचा हुआ जो पानी है उसका इस्तेमाल ये और भी अपने क्लीननेस के लिए, क्लीनिंग के लिए, शहर की अन्य जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए, और ये सब इस पानी का यूज़ हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कंट्री में, हमारी कंट्री में जैसे अहमदाबाद के पास भी ये सब कुछ चल रहा है, बहुत सारी रिवर्स हैं हमारे पास, इतनी रिवर्स शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और वहाँ पर हमें ये इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। और ये फिशिंग वगैरह के इस्तेमाल भी हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, शायद मेरे कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखेगा, और इस पूरे रिवर बेड को यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कल्चर एक्टिविटीज़ में, मतलब कि हमेशा शहर के पास एक सुकून वाली जगह चाहिए होती है जहाँ पर सभी आकर अपने टाइम स्पेंड कर सकें, तो ये वो जगह है। छोटे से शहर भी में भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्टेडियम्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट और कोई फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होगी एक ह्यूमन बीइंग को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो इस नदी का, हान नदी का रियली बहुत बहुत थैंक्स, किसने शहर बहुत सुंदर कर दिया और यहाँ के लोगों को भी। सलाम।